नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। 21 अगस्त को दौरान देखभाल क्षेत्र रोकथाम जुर्म जरायम तस्करी के क्रम में गठित टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर कुछ व्यक्ति जो कि नेपाल से बिना कस्टम शुल्क अदा किए हुए प्रतिबंधियों मेघाश्री को नेपाल से खैरानिया जंगल की तरफ से भारत में लाने वाले हैं की सूचना पर विश्वास कर मैं हमराहियान जंगल के पास पहुंचकर पेड़ों की आड़ लेकर आने वाले का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद 9 व्यक्ति मोटरसाइकिल व कार से आते दिखाई दिए। पुलिस बल द्वारा एक बारगी रोककर घेर कर सभी को पकड़ लिया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय बहराइच द्वारा अभियुक्त लोगों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में आज थाना नामपारा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। थाना नामपारा के प्रभारी निरीक्षक श्री डी के श्रीवास्तव, उनकी टीम एसआई शैलपाल उपाध्याय और एसआई अमित त्रिपाठी द्वारा एक कुरमियान बाईपास चौराहे नानपारा पे उनको सूचना मिली थी कि दो मोटरसाइकिलों पर कुछ व्यक्ति आ रहे हैं जो कि ये मोटरसाइकिलें जो चोरी की जाती हैं उनका अवैध रजिस्ट्रेशन करके तो जंगल के रास्ते नेपाल पहुंचा करके उनकी बिक्री नेपाल में भी करते हैं। इन चार व्यक्तियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। सतीक हाजी, सलमान, फैज खां और फिरोज, ये सभी कस्बा नानपारा के ही रहने वाले हैं। इनसे कड़ाई से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि ये सफी हाजी का जो खाता है उसमें ये मोटरसाइकिलें चोरी की खड़ी करते हैं और वहीं पर ये अवैध कागज तैयार करते हैं और उन फर्जी रजिस्ट्रेशन के आधार पर ये मोटरसाइकिलों को बाहर बेचते हैं। खाते की तलाशी पर वहाँ पर 17 और मोटरसाइकिलें मिली हैं। इस प्रकार कुल 19 मोटरसाइकिलें इन लोगों द्वारा बरामद की गई, इन लोगों से बरामद हुई हैं और उसमें अवैध रजिस्ट्रेशन के कागज भी प्राप्त हुए हैं। इसके आधार पर थाना नामपारा पर मुकदमा दर्ज संख्या 496/20 धारा 441/411 पंजीकृत किया गया है और इस अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इन मोटरसाइकिलों का मिलान किया जा रहा है, ये इनके द्वारा कहाँ से चोरी की गई हैं और इसमें और भी इसके बैकवर्ड लिंक और फॉरवर्ड लिंकेज की जांच की जा रही है और उसके आधार पर इन लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहराइच मंडल ब्यूरो, अशोक कुमार यादव की रिपोर्ट।